ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार राजस्थान में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में 32 नए और कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जयपुर से 20, जोधपुर से 7, भरतपुर से 1 और दौसा में 3 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। वहीं झालावाड़ में भी 1 कोरोना पॉजिटिव सामने आया है। कोरोना पॉजिटिवों की संख्या बढ़कर प्रदेश में 847 हो चुकी है। प्रदेश में अब तक आज 43 कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। जयपुर में 20, भरतपुर में 11, जोधपुर में 7, दौसा में 3, भरतपुर और झालावाड़ में 1-1 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। राजस्थान में 32 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लोकेश ओला फोन लाइन पर मौजूद है। जी लोकेश, लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, 32 नए और मामले सामने आए हैं। जी बिल्कुल, 32 नए और कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिनमें अब जो 20 जयपुर में कोरोना पॉजिटिव है वो सामने आ चुके हैं और वहीं जोधपुर में 7 अब और कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। साथ ही साथ दौसा में 3 और भरतपुर झालावाड़ में 1-1 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। और अब बात करें तो आज के पूरे दिन की, तो अब तक कुल प्रदेश में 43 कोरोना पॉजिटिव है वो सामने आ चुके हैं, जिसमें भरतपुर में 11 कोरोना पॉजिटिव अब हो चुके हैं टोटल आज के दिन में, और आज के और पहले के मिलाकर भरतपुर में कुल 20 कोरोना पॉजिटिव अब तक सामने आ चुके हैं। इसी तरह जयपुर में 20 कोरोना पॉजिटिव सामने आने के बाद अब जयपुर में सबसे अधिक जो कोरोना पॉजिटिव संख्या 361 हो चुकी है, जो एक चिंता का विषय बनती जा रही है लगातार चिकित्सा महकमे के लिए। इसी तरह बात करते जोधपुर में 58 कोरोना के पॉजिटिव है वो मरीज सामने आ चुके हैं। टोंक में भी अब तक का जो आंकड़ा है वो 59 पहुंच चुका है। आज हालांकि कोरोना के टोंक में एक भी कोरोना जो मामला है वो सामने नहीं आया है, लेकिन जो 59 कोरोना के पॉजिटिव मरीज वो वहां पर हो चुके हैं। इस तरह से लगातार जो कोरोना का जो दायरा बताया जा रहा है, और अब 847 कोरोना के जो पॉजिटिव मरीज है वो प्रदेश में अब तक सामने आ चुके हैं। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता लोकेश ओला, जिन्होंने लेटेस्ट अपडेट दी। प्रदेश में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन के चलते प्रदेश का सबसे बड़ा नमक उद्योग ठप।